आज कुछ चार पांच जरूरी अपडेट्स हैं जो बताने जरूरी हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी का रिजेक्टेड फॉर्म के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और जिन्होंने क्वेरी अपडेट करी थी, जिनके एक्सेप्ट हो गए, उन सबके पास मैसेज से बता दिया गया है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है। और जिन्हें अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है, तो भाई अब बस एडमिट कार्ड का इंतजार करें, उसी पर अब कुछ पता चलेगा। नौवीं और दसवीं के स्कॉलरशिप फॉर्म की लास्ट डेट आज रात 12 बजे तक है, और जैसे आज रात 12 बजे तक भरे जाएंगे, उन्हें मिलते हैं 7 दिन उसे जमा करने के लिए। मतलब 21 तारीख तक आप शायद जमा कर सकते हो उन फॉर्म को। नेवी SSR AA के एडमिट कार्ड आ गए। इस लिंक पर क्लिक करोगे तो सीधा आपसे ईमेल आईडी पासवर्ड कुछ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, उसी से आपके एडमिट कार्ड निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि उसमें वर्चुअल आईडी वगैरह करनी पड़ेगी। जिन्होंने आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड नहीं लगाया था, उन्हें आधार कार्ड लगा के ज़रूर जाना है। तो भाई इसके नीचे वर्चुअल जनरेट, ये आधार कार्ड वर्चुअल आईडी का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप अपनी जनरेट कर सकते हो वर्चुअल आईडी। वेबसाइट है onlineforminfo.com। आज की तारीख पर चले जाओगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बैक पेपर 4 तारीख से चल रहे हैं, 4 सितंबर से। और MRK भी बता रहे हैं, MRK भाई एडमिट कार्ड लगभग 2 दिन बाद आएंगे, क्योंकि तो उसके पेपर भी 3 दिन बाद स्टार्ट हैं, तो 2-3 दिन बाद ही उसके एडमिट कार्ड आएंगे। तो प्रदेश आर्मी की कुछ भर्ती हैं जो चल रही हैं, वो नीचे मैंने बताया गया। तो प्रदेश में कहाँ कहाँ की चल रही हैं, CCS यूनिवर्सिटी के स्कीम वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट आ जाएगी UP स्कॉलरशिप की, NVS Class 6 5th Class से भरे जाएंगे, उनके भी है, पिछली वीडियो में सब बता रखा है मैंने। ग्रुप डी का स्टेटस के लिए सबके पास ऐसा कुछ मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट, योर ग्रीवेंस हैज बीन एग्जामिन्ड एंड योर एप्लीकेशन हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो भाई जिसके पे आया है उनका एक्सेप्ट है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें टेंशन नहीं लेने की, तो एडमिट कार्ड आपका निकल जाएगा। इसके बाद है आपका तुलमाहेश्वरी, हाँ ये ख़त्म हो गए हैं, कल इनकी लास्ट डेट थी, और बाकी एडमिट कार्ड यहीं से निकलेगा, इसी में सब जानकारी है। प्रवेश पत्र के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पर सब जानकारी है, प्रवेश पत्र कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, लिंक भी दी गई है। UPI मेरिट लिस्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लिए यही है, आज इसकी भी लास्ट डेट है। और ITI ने दोबारा से रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं, ऐसा है कुछ स्कूलों में कुछ सीटें बच गई हैं कुछ ट्रेड की, उनके लिए दोबारा एडमिशन खोले हैं उन्होंने। 3 मेरिट लगा के तो बंद कर दिया था, लेकिन जिन्होंने फॉर्म पहले भरवा लिया है वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराया उसी नंबर, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे, ठीक है, तो अपना फॉर्म अपडेट करा लें उसे। आज उसकी फीस वीस कुछ नहीं जाने की, बाकी जो नया फॉर्म भरेंगे उनकी फ़ीस जाएगी, लेकिन नया फॉर्म जो भरेंगे उन्हें शायद इलेक्ट्रीशियन वगैरह बहुत ही कम कॉलेज में देखने को मिलेगी। तो आज लास्ट डेट है, जाके यार पता कर लें, और कुछ फिर भी अगर डाउट है आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट में पता करें। CCS यूनिवर्सिटी, और हाँ इसकी मेरिट लगेगी, आज लास्ट डेट है तो 2 या 3 दिन बाद इसकी मेरिट लग जाएगी, मेरिट यहीं पर चेक करेंगे अपने, ठीक। तो CCS यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर निकल रहे हैं, CCS यूनिवर्सिटी बैक पेपर निकल रहे हैं, XY के ग्रुप निकल, एडमिट कार्ड निकल रहे हैं, SSR AA के भी निकल रहे हैं, BSF हेड कॉन्स्टेबल मिनी एस्टमिनिस्टर के जल्दी ही आने वाले हैं, SSC MTS आंसर की यहाँ पे क्लिक करके आप निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुलेगा एक वेबसाइट, इस वेबसाइट पे पूछेगा आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी पासवर्ड आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था जिससे आपने कंप्यूटर में लॉगिन किया था, पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ होगी, यूज़र आईडी में आपका रोल नंबर होगा, तो वहाँ से देख के चल रही है। कम से कम अगर किसी से प्रिंट कराओगे तो 40-45 पेज प्रिंट हो जाएंगे, तो इसलिए अपने फ़ोन में ही से चेक करना। CTET के 10 से 18 सितंबर से आ रहे हैं, इनकी फीस वगैरह दी गई है। CCS यूनिवर्सिटी की अपडेट है, रात को 1:53 में मैंने अपडेट करी थी, आज 10 तारीख है, तो भाई हाँ 10 तारीख की है ये, मैं गलती कर देता हूँ बार बार यहाँ पे 9 तारीख लिखने का, क्योंकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, तो ये 10 तारीख की है। अभी यही डेट दिखाएगा, ये दिखा रहा है सबसे ऊपर डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ मेड, और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हो। अब जो मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे ये ऐसा कुछ दिखा हुआ है, तो जो यहाँ पे भी दिखाएगा, ये वेबसाइट है CCS की। चलो अब कंप्यूटर में अपने फ़ोन पे चेक करना इसे। नवोदय विद्यालय के एडमिशन हैं चल रहे हैं, BSF की सब पुरानी हो गई, 22 सितंबर से पेपर इसका, 12 सितंबर से एडमिट कार्ड आने की संभावना है। हाँ उत्तर प्रदेश की मैंने बताया था चल रही है भर्ती, बस इन जिलों की चल रही है, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्ज़ापुर, संतरविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी। 3 सितंबर से चलनी स्टार्ट हो गई है, चलेंगे 17 अक्टूबर तक, और इनकी जो भर्ती है वो चलेगी 1 नवंबर से 25 नवंबर तक। आर्मी का फॉर्म भर लिया या भरने वाले हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे पढ़ें। आर्मी का फॉर्म भरा है तो ये पढ़े, इसमें मैंने बता रखा है क्या गलती हो सकती है आपसे, क्या चीज़ ध्यान रखनी है। SSC MTS के हैं ये दिया हुआ है नोटिस, कितने फॉर्म भरेंगे, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे और कितने एबसेंट थे, सारी चीज़, कितने सेंटर वगैरह सब कीजिए, सबकी जानकारी। जेल वार्डन एडमिट कार्ड के कुछ पता नहीं, ये सब मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, अभी कोई जानकारी नहीं है।
थे और 11वीं 12वीं और उससे ऊपर जितने स्कॉलरशिप फॉर्म हैं उनकी सबकी लास्ट डेट है आपकी 10 अक्टूबर। और बाकी वन टच सॉल्यूशन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसी लिंक मिलेगी जहाँ से आप डायरेक्ट कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब आप PNR नंबर और आर्मी के फॉर्म चेक करने हैं, आई मूल जाति निवास या SF ITPP जनरेट आधार कार्ड, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लिंक हैं जो सिंगल टच है। जैसे आपको आगरा का कोई भी रिजल्ट निकालना है, CCS का रिजल्ट निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो इस वीडियो पर इतना ही, अगर कुछ मैं बताने से भूल रहा हूँ या आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पता करें आप।